नमस्कार, मैं विजय यादव, आप देख रहे हैं सर्विलांस खबर। जनपद अंबेडकर नगर तहसील भीटी क्षेत्र के अंतर्गत आज तहसीलदार भीटी सुनील कुमार व नायब तहसीलदार भीटी उमेश चंद्र यादव द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के भूलेख संबंधी अभिलेखों के सत्यापन संबंधी विशेष अभियान के तहत ग्राम जलालपुर सेहरा व महमदपुर चपरा में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें लेखपाल जितेंद्र सिंह, सूर्यकेश व राजेश तिवारी अपने सहयोगी पंचायत सहायकों के साथ पंचायत भवन में सत्यापन करते हुए पाए गए। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो व्यक्ति मुख्यतः उत्तर प्रदेश का नागरिक हो तथा उनके नाम भूमि 1 फरवरी 2019 के पूर्व की हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में तहसील सभागार में लेखपालों, पंचायत सहायकों व सहायक विकास अधिकारी की संयुक्त मीटिंग पूर्व में ही कर ली गई थी। इसका सत्यापन 31 जुलाई 2022 तक होना है। आप सभी को यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में सर्विलांस खबर संवाददाता द्वारा तहसीलदार भीटी सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सर, किसान सम्मान निधि जो किसानों को मिल रहा था जी, इस समय किस्त नहीं आ रही है जी, इसके लिए किसानों को क्या करना पड़ेगा? किसान सम्मान निधि जो योजना माननीय प्रधानमंत्री के नाम से चलाई गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका वर्तमान में सत्यापन चल रहा है जी। सत्यापन में 1 फरवरी 2019 से पहले जिनके पास भूमि थी उनको इस योजना के नाम समाहित किया गया है, और इसके लिए वर्तमान में जो पूर्व सूची जो आ चुकी थी उसी का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी तो उसमें शामिल नहीं हो गए हैं जिनके पास भूमिहीन है या फिर वो मृतक हो गए हैं, तो इस तरह से इस योजना में इसके पहले सोशल ऑडिट भी एक कराई जा चुकी है। तो सरकार का उद्देश्य ये है कि जो भी पात्र व्यक्ति हों उनको इस योजना से अनिवार्य रूप से लाभ पहुँचे, और जो भी अपात्र हैं उनको इस योजना से हटाया जा सके और उनसे वसूली कराई जा सके। धन्यवाद।